खोलो खोलो दरवाजे पर दे करो किनारे खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना क्यों इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू ओ दुनिया सजी तेरे लिए खुद को जरा पहचान तू हैरान तू मौसम का है मेहमान तू पासी जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी गर्म गर्म सारी अभी अभी है उतारी जिंदगी तो है बताशा मीठी मीठी सी है आशा चकले रख ले हथेली से ढक ले से तुझ में अगर प्यास है बारिश का घर भी पास है रोके तुझे कोई क्यों भला संग संग तेरे आकाश है तू धूप है छम से बिखर तू है नदी बेखबर बह चल कहीं उड़ चल कहीं दिल खुश जहां आसमां का रास्ता देखो खुल गया मिल गया खो गया था जो सितारा मिल गया रोशन हुई सारी जमीन जगमग हुआ सारा जहां उड़ने को तू आजाद है बंधन को ही अब है कहां हैरान तू मौसम का है मेहमान आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं
हर कोशिश में हो बार बार कर दरिया। प्रिंसिपल महोदय शीतल मैम, हमारे सीनियर और मेरे गुरुजन श्वेता मैम, मेरे सीनियर आनंद सर और माय डियर पेरेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। देखूल इस स्कूल का भूतपूर्व छात्र चुका हूँ, तो मुझे इस स्कूल में कदम रखते से ही बहुत ही अच्छी अनुभूति मिली। मुझे मेरे बचपन के बिताए हुए दिन, उन सभी दिनों को याद करके उन दिनों में मैंने क्या अचीव किया, आज उन दिनों की क्या मुझे उन दिनों का नाशा कितने से अच्छी। मेरा फर्स्ट जो है मतलब नर्सरी के अंदर एडमिशन हुआ, तो मेरी फर्स्ट पोयम थी जो किसी हॉल के अंदर कर मेरे द्वारा बोली गई थी और उसको मुझे फर्स्ट प्राइज ही मिला। मुझे आज भी याद है, अगर गुरु के साथ रहोगे स्वयं बुरे बन जाओगे, अगर भलों के साथ रहोगे स्वयं भले कहलाओगे, जैसे होंगे मित्र तुम्हारे वैसे तुम बन जाओगे, सोच समझ कर करो मित्रता जीवन भर सुख पाओ। सभी पेरेंट्स को सबसे पहले कॉन्वोकेशन डे की सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ कि आज हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है कि आज हमारे बच्चे को हमारे समक्ष उनका पुरस्कार मिले। उनके जो कॉन्वोकेशन डे है, ग्रेजुएशन डे बोलते हैं, जो हमें हमारे जो कॉलेजेस के डेज में जाके अचीव होता था, जब हमारा कॉन्वोकेशन डे या जनरल कम्प्लीट हुआ उस समय कॉन्वोकेशन डे मना, और आज इतनी खुशी हो रही है कि प्री नर्सरी के बच्चों को इतना अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करके इतना अच्छा एनवायरनमेंट देके उन्हें फर्स्ट एग्जाम के बाद कॉन्वोकेशन डे के लिए कॉन्वोकेशन डे बनाया जा रहा है, सबसे बहुत सराहनीय है। मैं साधवा कुशवा मैम को बधाई देता हूँ इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए, पूरे मैम्स को जितने क्योंकि एच एम में जो प्री नर्सरी के मैम्स हैं, जो सभी जिन लोगों से मेरा संपर्क रहा उन्होंने आज स्कूल इतना डेवलप हो चुका है कि मुझे भी एक छोटी छोटी चीजों के ऊपर देखकर बड़ी खुशी की अनुभूति हो। तो इसलिए मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ और सभी से कहना चाहता हूँ कि हमें भी किसी तरीके से इन बच्चों के साथ लगना पड़े। अगर उन्हें कुछ अचीव कराना है, उन्हें उस मंजिल में देखना है, तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसे ही रहेगा। और यहाँ आज इतनी जनसंख्या देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सारा कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है बच्चों को सभी की तरफ से। इसलिए सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम, इन्वाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शीतल मैम का उनको बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैंने बुलाया एंड शी वॉज रेडी टू कम। मैं चाहती हूँ कि वो हमारे विद्यालय परिवार से जुड़ी रहें, ताकि आप सभी को ये पता चले कि बच्चों को बचपन से ही हमें कैसा आहार और व्यवहार देना है। और हमारा विद्यालय भी यही चाहेगा कि मैडम हमारे साथ हमेशा रहें। संजय अमीन सर को विशेष धन्यवाद है, वो पूरे वर्ष प्री नर्सरी की सारी गतिविधियों से जुड़े रहे, अपनी ओर से बच्चों को जो सुंदर से सुंदर सुझाव और उपहार हो सका उन्होंने दिया, धन्यवाद है सर को। स्मिता मैम को स्पेशली धन्यवाद है कि वे हमेशा हमारे छोटे बच्चों के हर एक फंक्शन में वो अटेंड करती हैं। अभी भी वो रिजल्ट्स की तैयारी में लगे हुए थे, शी वॉज नॉट हैविंग अ सिंगल मिनट, लेकिन फिर भी इन प्यारे बच्चों के लिए उन्होंने समय निकाला। हृदय से धन्यवाद है आपको मैम। और परिवार का जो मुखिया होता है सबसे अंत में बधाई उसी को मिलती है, धन्यवाद प्राचार्य महोदय को जिन्होंने हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए हमें इनकरेज दिया, हमेशा ये स्वतंत्रता दी कि हम अपने हिसाब से अपने विभाग में हर एक नई चीज़ को रख सकें। जब इस दिन के लिए मैंने सर से आज्ञा मानी तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप ठीक समझते हैं, करना चाहते हैं, देन यू शुड डू इट। और सर भी अभी CBSE एग्जाम में काफ़ी सारी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, उसके बाद भी इन बच्चों के लिए उन्होंने अपना समय निकाला, हृदय से धन्यवाद सर। और आप सभी पालकों का मैं विशेष आभारी मानती हूँ, प्री नर्सरी के पेरेंट्स का जिन्होंने पूरे साल हमारे सारे निर्देशों को माना, हमारा सहयोग दिया, और आगे भविष्य में भी हम उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग ऐसे ही मिलेगा। और मैं चाहती हूँ प्री नर्सरी का ये बैच
हमारे कोविड के बाद का ये पहला बैच है और आगे चलकर ये 12th तक इसी के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता जीत का पता।